इतनी भी मोटी नहीं हूँ. क्या है ये? For sure, I was. One of the reasons I actually advocate this topic is because I was a victim of it, thanks to internet. I didn't realize, you know, itna people would say anything without even realizing what they're saying or without even knowing the other person. And everyone has opinions. So for me, it was very, it was a shock for me, to be very honest. मैं थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस में चल गई थी कि मे बी यू नो देर इज़ समथिंग रियली रॉन्ग विद मी. लकीली गॉड ब्लेस माई फैमिली, गॉड ब्लेस माई फ्रेंड्स हु वर देयर फॉर मी, हु सपोर्टेड मी एंड हु टुक मी आउट ऑफ दैट स्पेस. इट वॉज अ वेरी छोटा सा टाइम था लेकिन हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली वर्ड्स अफेक्ट यू. पीपल सेट के तुम पीपल सेट के यू नो कि बहुत मोटी है या ये है वो, तो मैंने कहा यार इतनी भी मोटी नहीं हूँ. क्या है ये? सो इट स्टार्टेड अफेक्टिंग माई हेल्थ एज वेल, बट दे टुक मी आउट ऑफ इट एंड दे सेट कि यू नो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लव माई सेल्फ. अगेन मेरा एम वेट लूज करना नहीं था. एज आई सेड कि मुझे माई फ्रेंड्स माई फैमिली दे टुक मी आउट ऑफ दैट स्पेस. आई हैड टू बिल्ड अप दैट स्ट्रेंथ टू जस्ट कम आउट ऑफ द नेगेटिविटी एंड के अच्छा ठीक है, यू नो इट्स अबाउट लविंग योर सेल्फ. इन दैट प्रोसेस इफ आई एम लूजिंग वेट, ग्रेट, बट आई नीड टू हैव अ गुड रूटीन, आई नीड टू हैव गुड फूड, आई नीड टू हैव सम वर्कआउट इन माई लाइफ टू कीप मी, गिव मी दैट एनर्जी टू कीप मी हेल्दी. सो इफ इन दैट प्रोसेस आई एम लूजिंग वेट, ये मुझे लगता है विमेन इन द मीडिया, द पीपल दैट दे सी ऑन स्क्रीन, दे वॉन्ट टू फैंटिसाइज अबाउट दोज विमेन, इवन मैन फॉर दैट मैटर. अगर इवन इफ यू गो, इफ यू लुक एट बॉलीवुड और यू लुक एट हॉलीवुड, नॉट सो मच, बट इफ स्पेशली इफ यू लुक एट बॉलीवुड एंड नाउ इन पाकिस्तान इज वेल, इवन मैन आर बिकमिंग विक्टिम्स टू बींग ऑब्जेक्टिफाइड. दे आर के दे नीड टू हैव अ सर्टन बॉडी टाइप, दे नीड टू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ मसल. You need to look good for the screen. I agree with that. You need to have a certain demeanor for screen. Yes, but you don't need to kill yourself for that. बहुत दफा हम ऐसा करते हैं कि just to feel good about ourselves. I think it's human nature. Just to feel good about ourselves, we will make others feel bad about themselves. बहुत दफा होता है और ये गलत है. ये गलत है. People need to realize that. Anyone who's going through it or कोई आपको harsh कोई बात बोलता है या आप पे negatively react करता है, help them. Rather than you know ignoring or anything, help them. They're probably going through something really bad as well. So just help them. Don't spread positivity. And this is how we spread positivity. कि negativity को ख़त्म करने का तरीका ये है कि you help that person. Show your positive side to them. Don't shun them. Trust me, they're going through a lot as well. I'm pretty sure.